जब आपने $6,000 कमा लिया, पहले तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ये भाई अप्रैल की वैसाखी वाला दिन, और देखो बाहर का मौसम देखो क्या बन रहा है, पूरी जबरदस्त फ्लरी वाली स्नो, बहुत ज्यादा संघनी होगी। देखो कोई रोड नहीं दिखाई दे रहा, नीचे एक एडी ऐसे बंदे को जाना पड़ता है कि हाँ भाई यहाँ पे एक छोटा सा जगह दिख रही है, बस उसके हिसाब से निकलते जाओ। लेकिन एक सेकंड के लिए भी आप अपनी आंख जो है ना इधर उधर नहीं कर सकते ऐसे वेदर में, और ना ही कहीं रुक सकते हैं, क्योंकि देखो शोल्डर में तो जगह ही नहीं है। अगर आपने रोक लिया तो पीछे वाला जो बंदा आ रहा है वो ना कहीं ला के पीछे आपके ठोक दे। शिमला मनाली डलहौजी सारा कुछ यहाँ पे ही हमारा भाई। अभी थोड़ी कम हो गई है लेकिन पीछे बहुत ज्यादा थी, ठंड नहीं है सिर्फ स्नो है। अभी अंदर आके जब हीट में आते ना सारा पानी बन जाता है। ब्रश कर लिया भाई, सुबह सुबह फ्रेश हो गए। ये वाली किटन ने हमारा बहुत साथ दिया यार। ये जो रिजाइना है ना जहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे ना हर टाइम सेफ्टी जगह डाल के आपको रखनी पड़ती है। जब भी आप ट्रक से बाहर निकलते हो, चाहे आप वॉशरूम के लिए भी जा रहे हो, लेकिन डालनी पड़ेगी, ये यहाँ का रूल है। ऐसे ही मैं रात को आया था बाइक लगा के, वहाँ पे पेपर देने पड़ते हैं, पेपर दे के फिर वहाँ पे ट्रेलर ड्रॉप करके यहाँ पे आके सो गया था। तो कभी कभी कंपनी के लोड ऐसे होते हैं जिसमें वहां से विनीपैग से रात को आना होता है, यहाँ पे आके 8 घंटे की स्लीप पूरी करके उसके बाद में शाम को इधर से लोड मिलता है वापस विनीपैग का। मैं भी उसी सर्विस के तहत रात को यहाँ पे आया हूँ और आज रात को वापस जाऊंगा। ये हमारे ट्रकों की पार्किंग है रजाइना वाली। देखो सब बंदे लगा लगा के सोए हुए हैं, कोई मोबाइल पे गेम खेल रहा होगा, कोई सोया होगा, कोई घर पे बात कर रहा होगा, किसी ने इंडिया लगाया होगा। तो ये हमारा रात को भाई बेड था, 5-स्टार होटल होता है हमारा। ये जो अप्रैल का महीना होता है ना इसमें ठंड जाने वाली होती है, लेकिन जाते जाते किसी का नुकसान कर जाती है, इसलिए बड़ा ख्याल करना पड़ता है। दिन में बारिश होती है, रात को जब वही पानी सड़कों के ऊपर होता है 12 बजे के बाद में ठंड हो जाती है, -5-7 जम जाएगा और स्लिपरी हो जाएगी, ब्लैक आइस बोलते हैं उसको। अप्रैल का महीना 15-20 दिन होते हैं ना ये माइनस प्लस वाले। रात को 12 बजे के बाद में कोशिश करो ट्रक ना ही चलाओ अगर वेदर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा है। हर साल ना आपको एक ब्लॉग ऐसा दिया करना जिसमें हमने बता दिया करना कि सैलरीज कितनी चल रही है इस साल में या कैसा दौर चल रहा है। छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, कोशिश मेरी यही है लेकिन बाद में लंबी हो जाती है भाई। स्टार्ट करते हैं सिटी वाले काम से, जो बंदे सिटी में आवर के ऊपर काम करते हैं। विनीपैग में उसका नॉर्मल रेट $18 पर आवर, $20 पर आवर, $22 पर आवर ऐसा चलता है, और अगर वही काम सिटी वाला आप टोरंटो में करते हो तो $26-$28 तक मैक्सिमम है, लेकिन $26-$26 पर आवर ऐसा काम है। सिटी वाले बंदों का एक फंडा होता है, मैक्सिमम 70 घंटे होते हैं, एक हफ्ते में काम कर लेते हो, लेकिन उससे ज्यादा भी बंदे काम करते हैं, उसको ओवर टाइम भी बोल देते हैं एक वीक में। उसके बाद में आ जाते हैं हाईवे वाले सिंगल ट्रेलर, जिसके पीछे एक ही ट्रेलर होता है। जब आप यहाँ पे आके काम स्टार्ट करते हो एज ए PR, क्योंकि हर एक बंदे का रेट अलग अलग है भाई, जो LMI के ऊपर आया उसका रेट अलग है, PR बंदे का रेट अलग है। यहाँ पे मालूम नहीं कई कंपनियों में ऐसा होता है कि जो पुराने बंदे होते हैं उनका रेट ज्यादा होता है, जो नए बंदे होते हैं उनका रेट कम होता है। तो अगर आप विनीपैग में सिंगल ट्रक चला रहे हो किसी के साथ में, जैसे मेरे पास होते हैं, इसको वैन बोलते हैं, रीफर वैन, ठीक है, ये फ्लैट डेक नहीं है। रीफर वैन का जो प्राइस चलता है भाई, अगर आप अमेरिका में काम कर रहे हो तो आराम से आपको 50 सेंट पर माइल से लेके 55 सेंट पर माइल तक मिल जाएंगे। एक महीने में आप लोग 10 से लेके 12-13 हजार माइल निकाल सकते हो अगर आप अकेले चल रहे हो। अगर आप यही काम टीम में कर रहे हो तो टीम में दो बंदे होते हैं, दोनों बंदों को 0.32 से लेके 0.36 तक आराम से आपको पे मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो। और अगर आप यही काम फ्लैट डेक के ऊपर कर रहे हो तो फ्लैट डेक में बहुत सारी कंपनियों का रेट जो है अभी विनीपैग से 0.55 सेंट पर माइल से लेके 0.62-0.64 ऐसा चल रहा है। उसमें भी आप काउंट कर लो कि आप एक महीने में 10-12 हजार माइल निकाल सकते हो। उसमें प्लस होता है कि अगर आपने टारप डाली उसके पैसे अलग से, टारप नहीं डाली तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे, लोड खाली करने के पैसे। जब आप वैन चलाते हो जैसे हमारे जैसा काम होता है, तो अगर आपने डोर के ऊपर लगा के खुद उसको खाली करवाया तो उसके $20-$25 या $15 जैसे भी कंपनी का रेट होगा। लेकिन अगर आप यही काम टोरंटो में चले जाओगे, टोरंटो जैसे बड़ी सिटी है, वहां पे खर्च ज्यादा, हर बार मैं बोलता हूँ थोड़ी सी सैलरी वहां पे अप होती है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी जो अमेरिका के लिए रेट है वहां पे भी फ्लैट डेक के इतने ही है, 60 सेंट पॉइंट 65 सेंट पर माइल।
उसके बाद में अगर आप ऑनर ऑपरेटर आ जाते हो तो भाई ऑनर ऑपरेटर में बहुत सारे फंडे होते हैं। ऑनर ऑपरेटर में ऐसा होता है कि ट्रक आपका होगा, ट्रेलर कंपनी का होगा, उसको ऑनर ऑपरेटर बोल देते हैं और उसमें हर एक कंपनी का अपना अपना रूल है। जैसे पहला किसी कंपनी का रूल ऐसा होता है कि तेल भी उसका होगा, ट्रेलर भी उसका, लोड भी उसका, सारा इंश्योरेंस नंबर प्लेट जो प्लेटें लगी होती ना ट्रक के आगे, प्लेटों का खर्चा भी कंपनी का, और आपको क्लियर आपको एक माइल का एक डॉलर क्लियर देंगे वो, उसमें से आपको अपनी ट्रक की किस्त देनी है और अपना अपना बाकी घर का खर्चा गुजारा जो चलाना है। एक डॉलर से वही हिसाब लगा लो, अगर 12-13 हजार माइल आपने निकाली, एक डॉलर आपको क्लियर मिल रहा है तो वो 12-13 हजार डॉलर आपको महीने का बनेगा। अगर आप ट्रक का कोई आपका नुकसान नहीं होता उसमें से आपकी ट्रक की किस्त जाएगी। ट्रक आज बहुत महंगे, लोन बहुत महंगा हो गया, ट्रक की किस्त जो पहले आप अगर आप नया ट्रक लेते थे तो 3500-3000 के पास में किस्त आती थी, अभी ट्रक की किस्त जो है भाई 5000 के पास में आ रही है। बड़ा ख्याल करो हर एक चीज करने से पहले। अगर आपको एक डॉलर क्लियर मिल रहा है तो आज विनिंग पैक के हिसाब से ये रेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप फ्लैट डक चला रहे हो तो फ्लैट डक में ये रेट थोड़ा सा ज्यादा होगा। जैसे आपको क्लियर $1.10 क्लियर हो जाएंगे, $1.05, $1.15। अगर हम डबल ट्रेलर चला रहे हैं तो थोड़ी सी सैलरी अप हो जाएगी। जैसे ऐसा नहीं होता कि डबल हो जाती है, डबल डबल यहाँ पे कुछ नहीं होता। हाँ, सिंगल ट्रेलर के अगर आप 50 ले रहे हो तो जैसे 10-15 सेंट और ऊपर मिल जाएंगे डबल ट्रेलर चलाने के। एक वहम होता है हमारे दिमाग में इंडिया में, भाई वहां तो भाई हमारा बंदा $6000 बना रहा है, $1.60 इंडियन का बनता है, 6 से 6 को मल्टीप्लाई किया भाई 360000 हमारा बंदा बना रहा है। ओ मेरे भाई, ये नंबर सिर्फ कहने के लिए होते हैं। जब आपने $6000 कमा लिया, अगर आप पे रोल के ऊपर काम कर रहे हो तो पहले तो गवर्नमेंट उसके ऊपर $1500 आपको टैक्स डाल देगी, आपको काट कटा के मिलेगा 4500। अगर आप अपनी वाइफ के साथ में एक किराए के घर में भी रह रहे हो ना, आपको 1500 से लेके बेसमेंट में रह रहे हो तो बेसमेंट का खर्चा $1000 के पास में विनीपेग में, अभी विनीपेग में भी 1000 से 1200 हो गया। अपार्टमेंट ली हुई, जैसे एक बिल्डिंग में बहुत सारी अपार्टमेंट होती है, तो अगर आपने डबल बेडरूम अपार्टमेंट ली हुई तो भाई $1500 उसमें से जाएगा 4500 से, बाकी रह गया 3000। अगर आपने अच्छी गाड़ी रखी हुई है उसकी 4-500 तेल का खर्चा और इंश्योरेंस का खर्चा आएगा। अगर वो किस्तों के ऊपर किस्त उसकी अलग से लगा लो, भाई दिमाग चकराते हैं आपके। अगर आपने 2 मोबाइल फोन रखे हुए, आपका भी और वाइफ का भी, किस्तों के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स का, महीने का, आपका टेलीफोन का और दोनों फोनों का मिला के बिल आएगा भाई $200-250-300 के पास में, सही है। उसके बाद में आपने इंडिया अगर पैसे भेजने तो लगा लो साहब, उसमें से बचेगा क्या। जितनी सैलरी ज्यादा होगी, अगर आपकी सैलरी 10000 आ गई, 6000 में से वो 15-14-1500 काटते हैं, लेकिन 10000 में से वो आपके $2000-2500 काट के ले जाएंगे महीने के। ये गवर्नमेंट का कानून है कि जैसे जैसे सैलरी ऊपर जाएगी तैसे तैसे कैंची का साइज भी बढ़ता जाएगा। अभी सैलरी की वीडियो मैं बार बार नहीं डालता, साल में एक आध वीडियो होती है। इंडिया में से बहुत दुनिया कनाडा में आके बैठी हुई, सबको सबका मालूम ही है। अगर आप टिम मॉडर्न पे, सबवे पे या किसी भी ऐसे मैकडॉनल्ड के ऊपर काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी मिनिमम होगी $14। तो $14 में आपको एक वीक के 40 घंटे बड़ी मुश्किल में मिलते हैं, तो काउंट कर लेना कि उसके हिसाब से 40 घंटे एक वीक में मिलेंगे तो एक महीने में 160 घंटे हो गए। उसको 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितने पैसे बनेंगे, उसमें से टैक्स काट के आपको बाकी का पैसा आएगा। आज के दिन में कनाडा में अगर आप मिनिमम वेज के ऊपर काम कर रहे हो, विनीपेग में खास करके, तो आप अपना घर तो भूल ही जाओ, एक कमाई से नहीं ले सकते। LMI वाले जो वर्क परमिट वाले बंदे होते हैं ना, उनका रेट कंपनी खुद डिसाइड करती है, जिस कंपनी की अपनी वर्क परमिट होते हैं। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि वर्क परमिट आप ले रहे हो, जैसे मैं हूँ, मैंने वर्क परमिट मेरे को मिल रहा है तो मेरे को होगा कि यार बस कनाडा पहुंचना है, कैसे भी पहुंच जाऊं। लेकिन यहां पे आगे भी हालातें वो नहीं रही। अभी जब आप वर्क परमिट ले रहे हो ना, तो वर्क परमिट की 1000 ऑप्शन मार्केट में पड़ी हुई है। आगे वाले बंदे को क्वेश्चन करो कि भाई वर्क परमिट के आप इतने पैसे ले रहे हो, हमको ठीक है पैसे हम दे देंगे, उसके बाद में सैलरी कितनी है, सैलरी हमको कितनी मिलेगी, एम्प्लॉयर कितनी सैलरी देगा, सैलरी टाइम टू टाइम देगा और PR में सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, सारी चीजें पूछा करो, आपका हक बनता है। बाहर भी बैठे हुए ना, लेकिन पैसे तो आपके ही लग रहे हैं ना, ऐसा मत आंखें बंद कर लिया करो कि हाँ भाई बस हमको बस वीजा चाहिए, कैसे भी मिल जाए वीजा चाहिए। वीजा आप लो, आपके लिए ही बने हुए हैं। आज के दिन में भी सैलरी उतनी है, खर्चे अभी डबल हो गए। पहले पेट्रोल था $1 per liter, अभी पेट्रोल हो गया कनाडा में $1.60-70 BC में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल होता है। अगर आपको $10000 महीने का बनाना है ना, तो उसके लिए आपको अपना घर बाहर छोड़ना पड़ेगा, तो आपको 5-6 दिन लगातार बाहर काम करना पड़ेगा, एक ही दिन घर में मिलेगा। लॉग बुक के ऊपर ऑफ मांगता है ना, उसके लिए आप घर आते हो, उसमें ही आपको आपके घर के काम निपटाने, उसको उसमें ही आपको आपके बाहर के काम निपटाने और फिर काम पे निकल जाना है। वैजल भाई, नासा से कैमरामैन मंगाया मैंने, हमारी कंपनी है ना, 4-5 बंदे हैं जिनके ट्रक सबसे साफ होते हैं। एक मैंने उस दिन दिखाया था ना, एक ये बंदा देखो मिलो,
ये बंदा नासा से मंगवाना पड़ता है जब बाइक वाइक बनवानी होती है जहाँ। और हाँ, अगर कहीं विनीपेग से हम जैसे बंदे जाते हैं जिनके पास में रोटी नहीं होती, तो फिर रोटी इधर से मिल जाती है। ये है भाई हमारा असल गहना, और ये होती है पूरी फीलिंग ट्रक ड्राइवरों वाली। देखो आज मैंने देखा सोडी का ट्रक लगा हुआ, मैं बोला इसमें खाना बहुत पड़ा होगा, क्योंकि सोडी चार पाँच दिन के लिए आया हुआ है विनीपेग से। बाकी सोडी बताएगा आपको आपकी क्या राय भाई साहब खाने के बारे में। और करनी करने के बहुत है, बहुत सब्जियां हमारे पास तीन है और फुलके भी तीन तरह के हैं। एक प्रॉब्लम तो होती है भाई, इंडिया वाले जो बंदे होते हैं ना ट्रक ड्राइवर हमारे, वो खाते हैं ताजा खाना, उनकी रीस तो हम नहीं कर सकते, उनको सलूट भी है भाई। लेकिन हमारे यहाँ पे ना होटल वगैरह है नहीं, तो आपको तो मालूम है, तो ट्रकों में ही होता खाना, तो गर्म करके खाना पड़ता है। सैलरी के बारे में कुछ बातें हो रही थी, उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब आप 8-10 हज़ार की ग्रॉस कर लेते हो ना, एक महीने का पैसा बना लिया, उसमें आपका टैक्स कट हो गया, गवर्नमेंट ने टैक्स कट कर लिया, उसके बाद में पता क्या होता है, जब आप लॉन्ग हॉल पे चलते हो तो डेली का $50 आप गवर्नमेंट को खर्चा डाल सकते हो, और वो जो डेली के 50 होता है, सारे साल में आप कितने दिन अपनी प्रोविंस से बाहर रहे हो स्टेट से, तो उतने पैसे आपको वापस घर में भेज देते हैं रीबेट करके, तो ऐसा टैक्स थोड़ा सा वापस आ जाता है ट्रक ड्राइवरों को, होता है बाहर, बाकी किसी जॉब में मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि उनके खर्चे पड़ते नहीं ऐसे। मेरे को तकरीबन दुबई से आए हुए 20-25 दिन हो गए आज, पहले दिन खुद टिम ऑर्डर के अंदर जाके चाय लेके आया हूँ, हालांकि मैं इस रोड के ऊपर से बहुत बार निकल चुका हूँ उस दिन से लेके आज तक, इतना फर्क पड़ता है टेस्टी खाने का। अभी दिल को समझा लिया कि भाई टिम ऑर्डर तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ पे दूसरी ऑप्शन तो है नहीं। वाड़े पिक्का पिक्का कितना जबरदस्त था, कच्ची जगह होती है ना साइड में, जब नई नई स्नो मेल्ट होती है तो ज्यादा नीचे नहीं उतारो, 15-20 दिन लगते हैं इसको, नहीं तो जब गीली होती है स्नो के नीचे दबी हुई होती है, ट्रक नीचे जा सकता है। देखो अभी बड़ा हो गया ना, इसको कोई चाह नहीं कि साथ पापा आया, बाहर जाने की पड़ी हुई है। ओ तेरी आजो आजो चलाओ आजो चलाओ आजो 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 ओ तेरी 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 वालो 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 नहीं 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 चला जा 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 इधर आ इधर इधर आ जा इधर आ जा इधर आ जा इसको समझ नहीं आ रही करूं क्या आए है एक और किसी का दे मन मोर मन मोर आए चलो सारा सत श्रीकाल कर दो सत श्रीकाल जी ओ नहीं बैठने का तो नाम ही नहीं ले रहा भाई साहब देखो आ देखो देखो प्रिंस जुजू पीता क्या जी मैं बोलता हूं भाई अभी नहीं बैठता देखो ये जाहू आज सारे दिन व्लॉग में ना पैसों की बात चलती रही है, पैसे के ऊपर ही दुनिया काफी निर्भर हो गई है, लेकिन अपनी अपनी सोच है। कहीं से पढ़ के आया, उसने लिखा हुआ था अगर आपने जिंदगी में पैसा खो दिया तो आपने कुछ नहीं गवाया, अगर आपने अपनी हेल्थ अपनी सेहत गवा दी तो आपने कुछ कुछ गवाया, लेकिन अगर आपने अपना किरदार गवा दिया तो आपने जिंदगी में सब कुछ गवा दिया। तो जो आप हो ना बी योर सेल्फ, जो हो वही बन के रहो। पैसा एक साधन है अपनी जिंदगी को आगे लेके जाने के लिए, सफलता पैसा नहीं है। लाइक करके जाना, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब कर लो, मिलते रहेंगे ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो में। टिल देन अपना और अपने घर का ख्याल रखो, रब रखा चढ़दी कला चढ़दी कला। Bonnie and Clyde, you can have whatever you like when it's you and I.